तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है बिजनौर की, जहाँ सुमन अपने माता पिता के साथ रहती थी। सुमन बहुत ही सीधी और प्यारी लड़की थी। पूरा गांव सुमन को बहुत पसंद करता था, क्योंकि वो भी सभी से बहुत प्यार करती थी और हर किसी की मदद किया करती थी, इसलिए सब लोग उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन सुमन का रिश्ता आता है। जब लोगों को ये बात पता चलती है तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि सुमन शादी करके ससुराल चली जाएगी। जितनी लोगों को उसकी शादी की खुशी थी, उतना ही उसके गांव से जाने का दुख भी था। लेकिन उसकी शादी की बात सुनकर सब लोग बहुत खुश थे। कुछ समय बाद सुमन की शादी हो जाती है। सुमन के नए जीवन की शुरुआत होती है। सुमन ये सुनकर बहुत खुश थी कि ससुराल में सारे सुख सुविधा थे। सब लोग उससे बहुत प्यार करते थे और सब उसकी इज्जत करते थे। फिर शादी वाले दिन सुमन अपनी माँ से कहती है, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, मैं बहुत खुश रहूंगी। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे है, वो मुझे बहुत प्यार करेंगे। मेरी बच्ची, तू तो इतनी अच्छी है कि तुझसे तो कोई वैसे भी नाराज नहीं रह सकता। तू इतनी प्यारी है कि सबको तुझसे प्यार हो जाता है। मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ कि वो लोग तुझे बहुत प्यार करें। हाँ माँ, आप मेरी चिंता मत करो। सुमन अपने ससुराल में नए सपने लेकर और नई उम्मीद लेकर जाती है। वो बहुत खुश थी। उसका पति कमरे में आता है और उससे कहता है, सुमन मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छी हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुम लोगों को बहुत प्यार करती हो और सबकी बहुत इज्जत भी करती हो। आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। दरअसल मेरी माँ थोड़ी चिड़चिड़ी मिजाज की है। वो बहुत गुस्से में रहती है, किसी को कुछ नहीं समझती है। इसी वजह से मैं और पापा उन्हें कभी कुछ नहीं कहते हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी जीवन साथी मेरी माँ के स्वभाव को जानकर भी उनकी इज्जत करे, उन्हें बहुत प्यार करे। आप चिंता मत करिए, आपकी माँ आज से मेरी माँ है। मैं उनकी वैसी ही इज्जत करूँगी जैसे मैं अपनी माँ की करती हूँ। वो दोनों अपने नए जीवन की बहुत अच्छे से शुरुआत करते हैं। अगले दिन जब सुमन उठकर नीचे आती है तो उसकी सास उससे कहती है, अच्छा बहू रानी के उठने का समय हो गया। समय देखा है, सूरज सर पर चढ़ा है और तुम अब उठकर आई हो। अब कब नाश्ता बनाओगी और कब हमें खाने को मिलेगा? मुझे तो लगता है मेरे कर्म फूट गए तेरी जैसी बहू पाकर। नहीं नहीं माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं जल्दी से नाश्ता बना देती हूँ। आप बस आराम से बैठिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। सुमन अपने सास ससुर पति को अच्छा सा नाश्ता करवा देती है। सुमन का पति अपनी माँ की सारी बातें सुन लेता है। वो मन में सोचता है, जब मेरी माँ आज पहले दिन ही मेरी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, न जाने आगे क्या होगा। क्या मैंने गलती तो नहीं कर दी सुमन जैसी लड़की अपने घर में लाकर? वो तो बहुत अच्छी और सीधी है, मेरी माँ उसका जीना हराम ना कर दे। पता नहीं आगे का मेरा जीवन कैसा होने वाला है। फिर सुमन का पति ऑफिस चला जाता है। वो रात को जब ऑफिस से आ रहा था तभी उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और उसका देहांत हो जाता है। सुमन के परिवार में जब ये बात पता चली तो सुमन बुरी तरह से टूट जाती है और उसकी सासू माँ उसे कहती है, हाय मेरे कर्म फूट गए, ये तो अपशगुनी है, आते ही मेरे बेटे को खा गई। ना जाने कहां से मेरी बेटी की कुंडली पर आकर बैठ गई थी। जैसे ही इस मनहूस के कदम मेरे घर पर पड़े, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। मैं इसे अपने घर में नहीं देखना चाहती। इसने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, इसे घर से निकाल दूं। इसने मेरा बेटा छीन लिया है, मनहूस कहीं की, मेरे बेटे को खा गई। फिर आस पड़ोस के लोग भी सुमन की सास की बात सुनकर सच में उसे मनहूस मान लेते हैं कि वाकई में सुमन उसके पति के लिए मनहूस थी। तभी तो शादी के एक दिन बाद ही उसका पति मर गया। वो जब भी रास्ते में जाती लोग उसे मनहूस कहना शुरू कर देते थे और उसके ससुराल में भी उसकी सास उसका जीना हराम कर देती है और उससे कहती है, मेरे बेटे को तो खा गई, अब क्या हमें भी खाएगी।
इतना बुरा भला तुझे कहती हूँ, मेरे घर को छोड़कर क्यों नहीं चली जाती? और जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो तेरा इस घर में क्या काम? तू भी निकल मेरे घर से। नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसी बातें मत करिए। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। उनके जाने का दुख मुझे भी उतना ही है जितना आपको है। आप जरा ये भी तो सोचिए, उनके जाने के बाद मेरा जीवन तो खत्म हो गया है। मैं उनके बिना कैसे जीवन व्यतीत कर रही हूँ ये मुझे ही पता है। लेकिन उन्होंने कहा था कि मेरे माँ बाप की सेवा करना, इसलिए मैं इधर से नहीं जा रही हूँ। अब उनके बाद सिर्फ आप लोग ही मेरे अपने हैं और आप लोगों के लिए मैं। अब हम सबको मिलकर साथ में ही रहना है। मैं जब तक हूँ आप लोगों की सेवा करूँगी, मैं इस घर से नहीं जाऊँगी। उनके जितने भी फर्ज थे मैं निभाऊंगी। तू फर्ज निभाएगी? मेरे बेटे को तो खा गई, अब क्या हमें भी खाना चाहती है? ये बहानेबाजी मेरे सामने मत कर, हम अपना ध्यान खुद रख लेंगे। बस तू मेरे घर से निकल। मैं जब भी तेरा चेहरा देखती हूँ मुझे अपने बेटे की याद आती है कि कैसे मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। सुमन अपनी सास की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। वो कमरे में जाकर बहुत रोती है, लेकिन फिर उसे अपनी पति की याद आती है और उसकी बातें याद आती है कि उसने कहा था कि उसकी माँ थोड़ी चिड़चिड़े मिजाज की है और उन्हें उनका व्यवहार बदलना होगा और उन्हें बहुत सारा प्यार देना होगा। यही सब बातें सोचकर सुमन में फिर से हिम्मत आ जाती है और वो घर के काम करने लगती है। उसकी सास ये सब देखकर हैरान हो जाती है कि उसके इतना कुछ कहने के बाद भी सुमन उनकी सेवा में लगी है और घर के काम कर रही है। उसकी सास कहते कहते थक जाती है। धीरे धीरे उनका सुमन को ताने देना कम हो जाता है। फिर एक दिन पड़ोस की एक औरत आकर उसकी सास से कहती है, अरे बहन जी, आप अपनी बहू को घर से निकाल क्यों नहीं रही हो? अब तक तुमने इसे घर में क्यों रखा है? और इसकी वजह से आपका बेटा आपसे दूर हो गया है। जब आपका बेटा ही नहीं है तो इसका घर से क्या काम? विधवा ही तो है, पड़ी रहेगी कहीं भी। आप अपना पीछा छुड़ा लो। तू कौन होती है मेरी बहू को घर से निकालने वाली? ये मेरे बेटी की पत्नी है, विधवा भी है तो भी कोई बेकार लड़की थोड़ी है। मेरा बेटा बिहा कर लाया है, इसका इस घर पर उतना ही हक है जितना मेरा बेटा और मेरा है। ये इसी घर में रहेगी और तुम जाओ यहाँ से। आई बड़ी मेरी बहू को निकालने वाली।